हेलो जी नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं गोविंद पटेल और आप देख रहे हैं खेती की पाठशाला यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप देख रहे हैं यहां पर लगा है कृषि ओडिशा 2021 का, तो फिर चलिए हम लोग देखते हैं कि कृषि ओडिशा 2021 में आपको क्या क्या चीज़ देखने को मिलेगा, क्या क्या नया यहाँ पर है और क्या क्या हमको आगे मिल सकता है। तो फिर चलिए देखते हैं। ये आ गया हमारा गेट में, सबसे पहले यह पर जो आप स्विच मशीनरी देखते हैं, लेकिन सबसे पहले हमको जो है यहाँ पर इन्होंने जो फैसिलिटी दे रखी है वो है कि आपको यहाँ पर किसानों का रजिस्ट्रेशन करना होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये वाला जो काउंटर आप देखेंगे, यहाँ पे आपको जो है रजिस्ट्रेशन करानी रहेगी। यहाँ पर आप एक बार रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपको इस तरीके से जो है एक विजिटिंग कार्ड मिलाएगा और बिना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के जो है आपको यहाँ पे एंट्री नहीं मिलती है। तो ये अभी फिलहाल हम लोग मेला ग्राउंड में एंट्री कर चुके हैं और आगे हम लोग देखते हैं कि इधर क्या क्या है, किस तरीके से ये करे हैं। और अभी जो है यहाँ पर जो जितना भी मेला किया गया है कृषि ओडिशा 2021, यहाँ का थीम मशरूम रखा गया है और यहाँ पे जो है पूरा इन्होंने जो हॉल बना के रखे सारे को पूरी तरीके से एसी हॉल बना के रखा है। तो फिर चलिए देखते हैं कि मेला में क्या प्रोसेस होती है। सारे मशीनरीज हैं, आप देख रहे हैं कि कितने सारे जो मशीनरीज है उसको यहाँ पे इंस्टॉलेशन लगा हुआ है और आगे और भी मशीनरीज है। काफ़ी अच्छे तरीके से उड़ीसा गवर्नमेंट ने इस बार जो है कृषि ओडिशा 2021 को काफ़ी अच्छे तरीके से इन्होंने जो है प्रमोट किया है और व्यवस्था भी काफ़ी अच्छा किया है, क्योंकि अभी मार्च का महीना चल रहा है तो पूरा इन्होंने जो है एसी हॉल को इन्होंने बना के रखा है। तो फिर आइए शुरू करते हैं हम लोग एग्जीबिशन ए से। अभी हम लोग सीधा चलते हैं एग्जीबिशन हॉल ए में। इन्होंने ए बी सी डी इस तरीके से जो है अलग अलग कैटेगराइज करके रखा है और इधर आप देखेंगे कि इस तरीके से इन्होंने जो है पूरा सेपरेटली जो है एसी हॉल इन्होंने बना के रखा है। तो सबसे पहले हम लोग जो है एग्जीबिशन हॉल ए में घुसेंगे। तो फिर चलिए सबसे पहले हम लोग एग्जीबिशन हॉल ए में एंट्री करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये एग्जीबिशन हॉल ए है और यहाँ से आज हम लोग शुरुआत करेंगे। चूंकि धूप कम है तो मैं अपना गॉगल निकाल देता हूँ, चलिए आते हैं। एग्जीबिशन हॉल ए की जैसे हमने एंट्री करी, यहाँ पर जो है मशीनरीज का सेक्शन इन्होंने बना के रखा है और यहाँ पे इन्होंने जो है कुछ गवर्नमेंट की है, कुछ न्यूट्रिएंट्स ड्राई फ्रूट्स का इन्होंने जो है अपने हॉल जो बना के रखा है। पूरी तरीके से कमरा पूरा एसी है, फुल्ली एसी है, क्योंकि मार्च का महीना है तो ये तो होना बनता है। आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे ऐसी क्या क्या चीज़ रखा हुआ है। सर आप बताएंगे कि यहाँ क्या क्या चीज़ है और आप क्या क्या चीज़ यहाँ पे ये स्टॉल में रखे हैं। ट्रिपल का आइटम है। अच्छा जी, टर्पोलिन। जी जी, सुप्रीम कंपनी का ये। अच्छा जी, रेनकोट आ रहा है, ये सब कवर, गार्डन कवर आ रहा है, फ्लावर बेड आ रहा है जो रूफटॉप गार्डन के लिए। अच्छा जी जी जी, सर यूज़ कर रहे हैं। जी जी, और ये भी आ रहा है कार कवर, मोटरसाइकिल कवर और ऑटो कवर, और आजोला के बेड भी आ रहा है, आजोला के लिए फोन लाइनिंग के लिए भी तारपोलिन आ रहा है हमारा, और जो हमारा पोल्ट्री कॉटन साइड में लगा रहा है ना वो भी आ रहा है। इस टाइप का सब तारपोलिन आइटम, मतलब यहाँ पर फार्मर के लिए हर चीज़ उपलब्ध है। मतलब जो आपका सुप्रीम कंपनी है इसमें फार्मर को जितनी जरूरत पड़ती है, एक रेनकोट से लेके उनकी क्रॉप ढकने से लेके और अजोला वगैरह। ये नायलॉन है और मल्टीलेयर क्रॉस लैमिनेटेड है। अच्छा, इसलिए बहुत सारा दिन यूज करते हैं। ये काफी मतलब डबल ट्रिपल लेयर वाला है क्या कुछ? जी, मल्टीलेयर क्रॉस लैमिनेटेड है। अच्छा जी, ये वाला क्या है सर जी? ये वर्मी बेड है क्या? हाँ ये वर्मी बेड है। अच्छा, ये वर्मी बेड है सुप्रीम का। ये आप देखेगी यहाँ पर सिंपोलिन का लगा है। आगे हम लोग देखते हैं कि और इसमें क्या क्या चीज लगा हुआ है। ये तो फिलहाल लगा है नवरत्ना का स्टॉल है। नवरत्ना का आपने डीएपी वगैरह तो यूज किया होगा तो आप नवरत्ना को जानते होंगे। आगे हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे उद्रो एग्रो सॉल्यूशन। सर इसमें आप क्या क्या करते हैं आपकी कंपनी? हाँ सर, ये जो आपने स्टॉल लगाई है यहाँ पे तो किसानों के लिए क्या क्या चीज़ है? आप कुछ बीज वगैरह बनाते हैं क्या आपकी कंपनी? बिल्कुल, ये धान का बीज बनाते हैं हम लोगों का। ये उद्रो एग्रो सीड्स है। अच्छा, एक प्राइवेट कंपनियाँ हैं जो कि चाषी के किसानों की भलाई के लिए काम करती है। अच्छा, किसानों को कैसे आपका उन्नत बीज, हाइब्रिड बीज, हाइब्रिड तो नहीं है, पूरे ओपी है, और जो रिसर्च वेराइटीज हैं वो अच्छे किस्म के अच्छे पैमाने में मिले, अच्छे रेट में मिले, उनको पैदावार अच्छा हो, इनका लाभ दोगुणित हो, इस टाइप का हम लोगों को प्रयास रहता है। ये जो आपका बीज है ये सिर्फ उड़ीसा में मिलेगा कि कोई अन्य जो अन्य राज्यों में मिलता है? ये उड़ीसा में प्रोडक्शन हम लोग उड़ीसा में भी लेते हैं, छत्तीसगढ़ में लेते हैं। फिलहाल छत्तीसगढ़ हम लोग शुरू नहीं किए हैं लेकिन उड़ीसा में करीब करीब लिए हैं। ये चारों तरह जो बीज हम तैयार करते हैं उड़ीसा में, ये चारों तरह उड़ीसा और छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश में हम लोग बेचते रहते हैं। भाई आपने देखा कि यहाँ जो उड्रो की इन्होंने कुछ बीज जो है इन्होंने अभी रखा है और आपको ऑल ओवर पूरे भारत में जो है मिलेगा। आइए देखते हैं आगे काउंटर में आपको क्या मिलेगा।
यहाँ पर इन्होंने कुछ जो है एग्रील केयर एंड डेवलपमेंट है, देखते हैं यहाँ पर क्या क्या चीज इन्होंने बना रखी है। ये जो आप देख रहे हैं ये कुछ मशीनरी, सर ये क्या मशीन है और किस तरह से काम? इसमें सर राइस से चावल निकलता है, वहाँ से गेहूं से आटा निकलेगा, मतलब टू इन वन है। अच्छा। इसमें टर्मेरिक और चिल्ली से उसे पल्वराइजर भी हो पाएगा। अच्छा। जैसे कि मसाला ग्राइंडिंग मशीन। अच्छा जी सर। तो मल्टीपल मशीन है ये। अच्छा, मल्टीपल मशीन। सर इसकी कीमत क्या पड़ रही है? ये 60,000 में है। अच्छा। एमआरपी फार्मर लोगों के लिए, और ओडिशा गवर्नमेंट ने इसमें 20,000 का सब्सिडी भी दे रहा है। अच्छा, अगर आप ओडिशा से बाहर भी कोई लेना चाहे? हाँ, और डायरेक्ट ले सकते हैं, उसमें सब्सिडी नहीं है। अच्छा। लेकिन 60,000 में ये एमआरपी है। हाँ। और ये सर क्या चीज मैं देख रहा हूँ नया? ये नया चीज है सर, इसमें जो हमारा पियर ऑयल निकलता है वो कोल्ड प्रेस ऑयल घनी मशीन है। जी जी। जो पुराना काल में बलद जो केटल के द्वारा ऑयल के माध्यम से घुमा रहे थे, वो इलेक्ट्रिक के माध्यम से घुमा रहा है। अच्छा, डोमेस्टिक ऑयल मोटर लगी हुई है सर? ये मोटर लगा हुआ है डोमेस्टिक का। अच्छा जी जी सर, इसका प्राइस आपने लिख रखी है? हाँ, ये 3,05,000 का है, सब्सिडी में 90,000 आ रहा है। अच्छा जी जी। ये एसटीएससी को मिलेगा? एसटीएससी और ऑल टाइप ऑफ वुमेन। अच्छा जी जी जी, ठीक है। तो इसको भी आप उड़ीसा के बाहर आप सेल करते हैं? हाँ, उड़ीसा के बाहर भी सेल होते हैं। ये जो कॉन्टेक्ट नंबर है इसमें कॉल करते हैं तो फिर जरूर कॉन्टेक्ट नंबर बता? ये कॉन्टेक्ट नंबर है। अच्छा जी जी, इसमें अगर कोई कॉन्टेक्ट करता है तो आप ये मशीन की आप उनको भेज सकते हैं। थैंक यू सर। आगे हम लोग देखते हैं, ये तो फिलहाल कुछ जो है कुरकुरे मैक्रीस वगैरह बनाने का इन्होंने बना के रखी है, और यहाँ जो है श्री रेणुका देवी हर्बल प्रोडक्ट। हेलो मैम। मैम आप इसमें क्या क्या बनाते हैं और हर्बल है क्या है? ये तेल होता है ना, ये 101 जड़ी बूटी का तेल है। अच्छा जी। इसमें कोई केमिकल नहीं है जी। पूरा नेचुरल है। अच्छा। ये तेल से ना झड़ने गिरने वाला बाल रुकवाट करता है। इसमें सर बाल के लिए? बालों के लिए है जी जी। जो सफेद बाल हो जाता है वो जड़ों से काला करता है। अच्छा। जो टक्कल गंजा लोग हो जाता है उसके लिए नया बाल उगता है। अच्छा। और लेडीज के लिए घना डाट लंबा करता है। ये नेचुरल तेल होता है, हम खुद हाथों से बनाते हैं। ये लगाने से ऐसा वाला, एक बोतल लगाने से 6 महीना चलेगा। अच्छा। 6 महीना लगा लेंगे, दोबारा लेना लगाने की जरूरत नहीं है। हर्बल है पूरी तरह, कोई केमिकल नहीं है? कोई केमिकल नहीं है, देखो देख सकते हैं आप। अच्छा, ये चीज आप हाथ से बनाते हैं? हम खुद हाथों से बनाते हैं। अच्छा। हम लोग लगाते हैं, देख सकते हैं मेरा बाल आप, देखो ऐसा ही हम लगाते हैं, ऐसा बाल बढ़ाते हैं इस तरीके से, मतलब घने बाल इसी तरीका से घना डाट मजबूत रहेगा बाल। अच्छा जी। लंबा रहेगा, पूरी गारंटी है। आपको चाहिए तो होम डिलीवरी भी हम भिजवाते हैं। अच्छा, तो इसमें जो कॉन्टेक्ट नंबर है इसमें हमारा पूरा नंबर है। अच्छा। फोन नंबर हमारा पूरा एड्रेस है, एक कॉल करने से होम डिलीवरी भी मिल सकता है। नंबर को थोड़ा जूम कर दीजिए। ये जो नंबर आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, इसमें जो है आप कॉल करके ये प्रोडक्ट को जो है मंगा सकते हैं। ये पूरी तरीके से हर्बल है और जो है आपकी बाल के लिए काफी अच्छा है। बॉयज भी खरीद सकते हैं, लेडीज भी इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा जी, ये सब बाल के लिए ही है? बाल के लिए तेल है और अच्छा है। अच्छा जी जी जी, वजन कम करने के लिए, पिंपल्स के लिए स्ट्रेच मार्क का दवा है, और जो ये है साइनस का दवा है। अच्छा। सिर का दर्द साइनस के लिए, और मसाज ऑयल है जी जी। सब हम हाथों से ही बनावट करते हैं, नेचुरल तेल जी, ये कोई केमिकल का नहीं है, ये नेचुरल है। तो आप भी जैसे नेचुरल चीज पसंद करते हैं तो ये जो है आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे आप ऑर्डर कर सकते हैं। आइए देखते हैं हम लोग अगला काउंटर किसका है। सर ये जो आप देख के यहाँ क्या क्या प्रोडक्ट है, क्या बायोफॉलिक क्या है? यहाँ बायोफ्लॉक मतलब छोटी जगह में। अच्छा, मछली पालन करते हैं तारपुलिन के सहायता में, नहीं तो सीमेंट के जरिए। अच्छा, जैसे कि आपने गड्ढा बनाया जी। सर कुछ कुछ मशीनरी दिखा पाएंगे क्या? जी जी, बायोफॉलिक में ये सारे मशीनें यूज होती है? बायोफॉलिक में ये सारी मशीनें यूज करना पड़ता है। अच्छा। अलग अलग टैंक के लिए अलग अलग मशीन यूज होता है, जैसे छोटा टैंक छोटा मशीन, बड़ा टैंक बड़ा मशीन। अच्छा, ऐसे तो ये जो सारे मशीनें सर आप प्रोडक्शन करते हैं आप, और उड़ीसा के अलावा कहीं और भी आप इसको? पूरा ऑल ओवर इंडिया। अच्छा जी, फोन के माध्यम से भेज सकते हैं सर कि आपके डीलर से संपर्क करना पड़ेगा? ये हमारा केवन आकुआ किसान प्लेस से संपर्क करेंगे तो मिल जाएगा। अच्छा, तो ये जो सारी मशीनें से सर सब उसी में काम आता है आपके पास? मतलब एक्वा का ए टू जेड? बस बस, एक्वा का ए टू जेड सारी मशीन, सारी वाटर पैरामीटर का टेस्टिंग किट वगैरह। अच्छा, वो ग्रीन नेट वगैरह मछली पकड़ने का वगैरह। अच्छा, ये सारे वहाँ भी लिखा है। ये कुछ टीडीएस मीटर वगैरह? ये टीडीएस मीटर है, ये सैलिनेट मीटर है, पीएच मीटर है, वेट मशीन है, टेम्परेचर मीटर है, प्रोबायोटिक है। अच्छा, ये डायफ्राम मोटर का है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोटर का, रिंग्स और हेड, तो सब कुछ है। मतलब ये सारा चीज उपलब्ध हो सकता है। ये सर आपका कॉन्टेक्ट नंबर है?
अच्छा, ये वाले जो कॉन्टेक्ट नंबर है इसमें से अगर कोई भी चीज़ अगर आपको चाहिए बायोफॉलिक से रिलेटेड तो आप इसमें फोन करके डिस्कस ऑल ओवर इंडिया आप डिलीवर करते हैं। अच्छा जी सर, इंडिया मार्ट में भी हमारा है के वन आता है। अच्छा जी जी जी, थैंक यू सर। अब इसके बाद थोड़ा आगे हम लोग देखते हैं कि आगे के जो काउंटर है उसमें क्या क्या चीज़ रखा हुआ है। चूंकि अभी जो है टाइम स्टार्ट हो रहा है तो ज़्यादा भीड़ अभी नहीं देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जो है कुछ इंडोस एनिमल्स सीमेंस वगैरह का है, चूंकि अभी काउंटर में कोई है नहीं तो हम पढ़ते हैं आगे। यहाँ पे क्या चीज़ देखने को मिलेगा, ये जो है नवकार एग्रो प्लास्ट का है। हेलो सर जी, ये आप क्या क्या ये बनाते हैं सर, ये क्या किस चीज़ में काम आता है? ये दवा छिटने में, गाड़ी धोने में, कलर करने में, गाड़ी सर्विसिंग में, बच्चों में, अच्छा, बच्चों की होली में, सब में काम आता है। स्प्रे नोजल है ये, मतलब गन है, गन जो हम लोग यूज करते हैं फार्मर के लिए। जी अच्छा जी, तो सर ये मल्टीपर्पज है, ये फार्मर के भी यूज का है, घर में भी यूज में आता है ये। अच्छा, जैसे कि आपने वहाँ लिख रखा है कि सबसे अच्छा कुटाई वगैरह के लिए भी। तो सर ये जैसे कोई लेना चाहेगा तो कहाँ से संपर्क करेगा? ये सिर्फ किसान मेले में बिकता है सर। अच्छा, ये सर किसान मेले में बिकता है और मार्केट दुकानों से नहीं बिकता। अच्छा, जैसे कि कोई मतलब जैसे उड़ीसा के बाहर कोई अगर लेना चाहे जो नहीं आ पा रहा है मेला में, तो कुछ ऑप्शन है कि हाँ, नहीं है? ये नंबर कार्ड ले लीजिए आप। अच्छा जी अच्छा, ये नंबर पर भी आप अच्छा जी जी हैं, बस रेट का थोड़ा सा फर्क पड़ेगा उसमें। अच्छा, रेट का फर्क पड़ेगा, वहाँ से फिक्स रेट है, यहाँ पे डिस्काउंट है एग्जीबिशन में। अच्छा जी, वहाँ 750 का आएगा ये प्लस कोरियर चार्जेस। अच्छा, जो भी जितना डिस्टेंस के हिसाब से। अच्छा, आपको कोरियर चार्जेस के साथ जो है मिलेगा। ये जो नंबर पे आप जो है कॉन्टेक्ट कर सकते हैं ये नोजल वगैरह आप लेना चाहते हैं तो। आगे हम लोग देखते हैं जैन इरिगेशन सिस्टम। हेलो सर, सर ये जो जैन इरिगेशन सिस्टम स्पेशल ड्रिप के लिए है क्या? नहीं, ड्रिप किसी बनाना। अच्छा, सोलर स्प्रिंकलर, स्प्रिंकलर वगैरह सारा चीज जो है ये है ना। अच्छा, जैन के बारे में तो आपको ने सुना भी होगा भाई। आगे हम लोग देखते हैं, ये है एजे इंटरप्राइज। हेलो सर, सर ये क्या क्या मशीनरी है सर, थोड़ा सा किसान भाई हमारा जानना चाहेंगे, बता सकते हैं क्या? जी सर, ये सर दूध से क्रीम निकालने वाला मशीन है। अच्छा जी जी, एक घंटा में 60 लीटर दूध से क्रीम सेपरेट कर देता है। अच्छा, और इसमें जो मिल्क निकलता है टोन मिल्क निकलता है। अच्छा, ये जो दो इसमें दिया हुआ है, ऊपर वाला में आएगा क्रीम, नीचे वाला में आएगा मिल्क। अच्छा जी, और मोटर कितने एचपी का है सर? हाफ एचपी का मोटर है। अच्छा, इसकी कीमत जो आपने 12,000 रखे हैं, ये ऑल ओवर इंडिया में भी सेम रेट रहेगा सर? जैसे कोई हमारे जो किसान देखने वाले मंगाना चाहे तो इसको? बिल्कुल, ऑल ओवर इंडिया में यही रेट रहते हैं। अच्छा, आपको 12,000 में आप इसको डिलीवर कर देंगे जी। साथ ही साथ और भी आप कुछ चीजें रखी हैं सर, ये क्या है सर? ये सर मिल्किंग मशीन है। अच्छा, ये मिल्किंग मशीन जी, इसकी इसकी कीमत 22,000 रुपए। इसके साथ कंप्रेसर वगैरह सर रहेगा? जी जी सर, ये रहेगा क्या? अच्छा, ये कंप्रेसर उसके साथ रहेगा। ये मेरे ख्याल से कुछ हम लोग दूध में कुछ अगर कुछ लोग क्या करते हैं सोसाइटी में जब मिल्क लेके जाते हैं, कुछ लोग नमक हो गया, चीनी हो गया, कुछ भी ऐड कर देते हैं उसमें, पानी वगैरह कुछ भी ऐड करते हैं, तो ये अडल्ट्रेशन किट है ये। अच्छा, ये एनडीटीबी ने इस किट को डेवलप कर। सर इसकी कीमत क्या पड़ती है अगर कोई फार्मर लेना चाहे तो? इसे 4,500 रुपया आ गया सर। 4,500 जी सर, आप ऑल ओवर भारत में आप डिलीवर कर सकते हैं अगर कोई कॉल करता है तो। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपका कॉन्टेक्ट नंबर ये है क्या इसमें? ये भी है। अच्छा, ये भी है ना, हमें थोड़ा कॉन्टेक्ट नंबर दिखा दीजिए। तो यहाँ से जो भी आप मिल्किंग मशीन वगैरह लेना चाहते हैं आप ये ले सकते हैं। अंदर 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 चल दो मामा थोड़ा। अच्छा, मतलब कोई ओडिशा से लेना चाहे तो इसमें उसको संपर्क करना रहेगा, है ना? डीलर एजे इंटरप्राइजेस है। अच्छा जी जी जी, और ऑल ओवर अगर भारत से कोई लेना चाहे तो ये नंबर पे वो कॉन्टेक्ट कर सकता है। जी सर,